हेलो स्टूडेंट्स, 8.3 न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था हमारा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक की एक वीडियो बनाई है। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारी एक्सरसाइजेस के इंट्रोडक्शन भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, जिनके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। जहाँ तक इन 10 क्वेश्चन की बात है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इनको करने के लिए जो जो फॉर्मूलाज चाहिए, जो जो औजार हैं हमारे, वो सब लिखे हुए हैं, जिनमें ये बेसिक 3 फॉर्मूला थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। सारे के सारे क्वेश्चन केवल इन्हीं फॉर्मूला से होने, ये भी हमें पता था। अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। सबसे ज्यादा काम में ना बच्चों ये आएगा आपके, सबसे ज्यादा काम में ये आएगा, ये जो 2 लिखे ना, मतलब बेसिकली देखो ये है तो यही फॉर्मूला और ये इनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इनसे निकले हुए हैं ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे। और बाकी अगर आप 8.3 कर रहे हैं तो आप पिछला सब कर चुके होंगे, तो इसका आपको आइडिया बिल्कुल होगा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन अपॉन कॉस टेन और कॉस अपॉन साइन कॉट। शुरू करते हैं क्वेश्चन, इसको देखिए। आंसर टेकिंग LHS, आप हमेशा ये कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चन सेक और कोसेक में हैं आप उनको किस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में, क्योंकि साइन और कॉस को समझना थोड़ा सा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ टेन सेक कॉट कोसेक। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो अगर अच्छा एक बात और, जैसे मैंने क्वेश्चन एक तरीके से किया, इसी क्वेश्चन को मैं कम से कम 10 तरीके से कर सकता हूं, मैं से मतलब आप भी इसको 10 तरीके से कर सकते हैं। कितने भी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, कभी ये नहीं सोचना है कि ये फाइनल तरीका है, ठीक। कोसेक क्या होता है, 1/sin, हमें पता है कोसेक क्या है, 1/sin। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कंप्लीट स्क्वायर, आपने एलसीएम लिया साइन थीटा, ऊपर बचा 1-cos θ कंप्लीट स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, ये स्क्वायर तो दोनों पे है, 1-cos θ पर भी है और नीचे वाले साइन पर भी है। मैं साइन थीटा का स्क्वायर लिखूं या साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, बात की। अब आप देख लो बच्चों, हमें हमारे आंसर में कहीं पर भी साइन नहीं चाहिए, हमें हमारे आंसर में कहीं पर भी साइन नहीं चाहिए, तो साइन को हटाओ। अरे साइन कैसे हटाएं, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1-cos² पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर को 1-cos². इसे क्यों हटाया, क्योंकि ये आंसर में कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। और आप देखो अगले स्टेप में आपको आंसर मिलने को एकदम तैयार होगा, ये लिखा है साइन स्क्वायर हुआ बच्चों 1-cos² और इतना तो आप सब लोग जानते ही हो, क्लास 10th में आ गए भाई, इतना तो जानते हो कि a² - b² होता है a+b (a-b), हाँ तो ठीक है ना, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक। तो देखो बच्चों, ऊपर लिखा है 1-cos θ² है ना, अपॉन में देखो a² - b², तो इसे लिखो a+b (a-b), जो एक से हैं वो कैंसिल कर दो, देखो कैंसिल, इससे पावर 2 चली गई और जो चाहिए था वो आ गया। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, या 10 और तरीकों से भी होगा, अगर ये फॉर्मूला आपको एक बार याद है ना, अरे जिस रास्ते चाहो बच्चों चल के आ जाओ। फिर देख लेते हैं एक बार, कोसेक माइनस कॉट था, कॉस में आंसर चाहिए था, मैंने कोसेक को लिखा 1/sin, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया, स्क्वायर दोनों के ऊपर आया, आंसर में साइन कहीं नहीं है, तो साइन स्क्वायर हटाया, और साइन स्क्वायर क्या है, 1-cos². फिर इसको स्क्वायर माना, a² - b² a+b (a-b), 1-cos से 1-cos कैंसिल, एंड दिस इज योर RHS, नोट डाउन।
लुक एट द सेकंड पार्ट, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो बच्चों इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसमें। एक काम बच्चों हमेशा किया करो, आर एक्स एक्स को ना साइड में लिख लिया करो कि ये क्या आएगा। देखो सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं टू अपॉन कॉस ए ढूंढना है, ठीक है, टू अपॉन कॉस ए। यानी कि एक बात तय है कि मुझे इस क्वेश्चन से साइन को हटाना है। देखो बात करो, आर एच एस क्या था, ये क्या है, टू अपॉन कॉस ए, यानी कि मुझे एल एच एस को सॉल्व करते वक्त कॉस ए को तो रखना है अपने पास और साइन ए को हटाना है अपने पास। देखते हैं, टेकिंग एल एच एस। देखो बच्चों कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, अभी तो हमें केवल ए के बाद दिखाई दे रही है। क्या बच्चा बोलेगा, सर कुछ और तो नहीं दिख रहा, एलसीएम लगा लो। क्या लगा लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो बच्चे ने एलसीएम लिया, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और भाई देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, और ये आ गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ऊपर लिखा है कॉस स्क्वायर ए और ये लिखा है वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और आप में से हर कोई जानता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मत कहना कि ये भी नहीं पता, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। और अपॉन में ये लिखा हुआ है वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसको तो मैं ऐड करके वन लिख ही सकता हूं, है ना, किसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को। तो पहले मैंने इसको एक जगह लिख लिया, चलो कि भैया एक तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको, प्लस इस वन का स्क्वायर तो वन हुआ, प्लस टू इंटू वन टू, ये बचा टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो फिर ठीक है यार, सुनो अब बात, सुनो सुनो, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस वन ए, अरे एक वन ये लिखा हुआ है ना, ये वाला वन प्लस टू साइन ए, प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, आ गया आंसर बच्चों। देखो वन प्लस वन टू, टू प्लस टू साइन ए, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बच्चों देखो टू कॉमन ले लो ऊपर, वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वन प्लस साइन ए कैंसिल आउट, टू अपॉन कॉस ए, और देखो हमने पहले ही लिख रखा है टू अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये क्या आ गया टू सेक ए आर एच एस। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, जैसे मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन कितने भी तरीके से हो सकते हैं। एक तरीका ये था, अगर आप मुझे लेक्चर वन से फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हैं, जिनके सारे लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, तो ये क्वेश्चन बच्चों केवल दो स्टेप में भी हो सकता था, केवल दो स्टेप में। मैंने ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट्स बता रखे हैं, चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को दो स्टेप में करके दिखाता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। याद करो मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखा रखा है, वो क्या है, साइन अपॉन वन प्लस कॉस, साइन अपॉन वन माइनस कॉस, कॉस अपॉन वन प्लस साइन, कॉस अपॉन वन माइनस साइन। अरे भाई एस का मतलब यहाँ साइन है
और सी का मतलब कॉस है, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखा है, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस। तो बच्चों मैंने आपको ये सिखाया था एक शॉर्टकट कि अगर हम इनको पलटें मतलब उल्टा लिख दें तो ये उल्टे लिख जाते हैं, केवल प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसको पलटो वन माइनस कॉस अपॉन साइन, अरे इसको पलटो ये क्या होता है वन प्लस कॉस अपॉन साइन, इसको पलटो वन माइनस साइन अपॉन कॉस, इसको पलटो वन प्लस साइन अपॉन कॉस। अगर इस शॉर्टकट को मैं यूज करता तो सिंगल स्टेप क्वेश्चन था। देखो कैसे, ध्यान से देखो, मुझे टू अपॉन कॉस चाहिए, मुझे नीचे कॉस ही कॉस चाहिए, तो देखो मैं इस वाले को पलट देता, इसको ऐसे लिखा देता, इसको पलटो तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, पलटा तो जब इसको पलटोगे आप, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जब इसको पलटोगे तो क्या होगा, केवल प्लस की जगह माइनस होगा। और देखो ये लिखा हुआ है वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, आप देख लो एलसीएम ले लो कॉस ए, वन माइनस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए कैंसिल आउट टू अपॉन कॉस ए। अरे बच्चों मैं तुम्हें सही बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, एक बार आपको इन फॉर्मूला के संग खेलना आ गया ना तो देखो कितना आसान हो सकता है मामला। एक क्वेश्चन और भी तरीके से हो सकते हैं लेकिन हम सारे तरीके से वीडियो में तो नहीं कर सकते, ठीक है, आप करके देखिएगा, नोट इट डाउन। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, 10 अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस 10, और इसको आपको बच्चों प्रूफ करना है 1 प्लस sec into 10। अच्छा ये काम करते हैं, काम करते हैं, इसको भी ना अलग से लिख लेते हैं जरा साइड में। sec होता है 1 अपॉन cos, 10 होता है sin अपॉन cos, ठीक है, और 1 अपॉन cos sin अपॉन cos यानी कि कॉस 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 स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों कि हम इस क्वेश्चन को किस में ब्रेक कर लेते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, और देखो साइन और कॉस में ब्रेक करने के बाद हम इसके आंसर को यही लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए एलएचएस, टेन क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा सा लेंदी शायद ये क्वेश्चन मुझे लगता है होगा लेकिन आसान होगा। कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत ध्यान से बच्चों एलसीएम लीजिए और देखिए आपको सारी कहानी बहुत आराम से होने वाली है। देखो ये लिखा हुआ है साइन थीटा, अरे बच्चों तुम्हारे पास तो अच्छे फोन हैं, अगर आपको लगता हो मैंने कुछ भी छोटा लिखा है तो आप थोड़ा जूम इन कर सकते हैं, है ना, मैं ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो फिर मुझको ये हटाना पड़ेगा, ठीक। और आपने लिया एलसीएम, क्या लिया अपॉन में एलसीएम, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अच्छा ठीक है। देखो ये लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन एल सी एम कॉस थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, इतना आप जानते हो कि ये जो अपॉन में लिखा है ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मतलब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस अब इसको देखो ये लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, है ना, ये कॉस चला जाएगा ऊपर ये रह जाएगा नीचे, आप लोग पॉज करो कैलकुलेशन खुद करो और फिर मेरी कैलकुलेशन से इसको मैच करो। अरे कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, जरा एक बार देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या कॉमन आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, अगर देखें तो देखो ये, देखो ये, ये देखो ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बच्चों ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक माइनस का लोचा है, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इसमें से, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखते रहना ठीक। क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बोला था मैंने, क्या कॉमन लेंगे बच्चों, माइनस माइनस माइनस, तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस वन बाहर आ गया है ना, ऐसे लिख दिया माइनस वन बाहर आ गया। मतलब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों सुनो बात ध्यान से, अब अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बीच वाली लाइन को तो हटा ही देता हूँ, जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिएगी हमें, आई हो काम बन जाएगा ठीक है। तो बच्चों देखो ना क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में आ गया ना, अरे दोनों में आ गया नहीं आ गया, इसको कॉमन ले लो पहले, देखो और इसको भी थोड़ा पास में ले आते हैं, ऐसे अलग रंग से लिख देता हूं मैं ठीक है। देखो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, क्या क्या बचा वो लिखो, क्या क्या बचा वो लिखो, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ठीक, प्लस इंटू माइनस, देखो ये वाला प्लस इंटू ये वाला माइनस, अरे ये वाला प्लस इंटू ये वाला माइनस इज माइनस है ना, और ऊपर बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और बन गई बात ओके, थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन लग रहा है ठीक। बच्चों सुनो बात, एलसीएम लिया कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या आ गया साइन क्यूब थीटा, ये क्या आ गया कॉस क्यूब थीटा। देखो बच्चों आप ये सारे क्वेश्चंस करो है ना, जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों इन क्वेश्चन को करने के और तरीके भी होते हैं, अगर किसी बच्चों को लगता है सर ये तो बहुत लेंदी तरीका है, क्या कोई और तरीका हो सकता है, तो आप ट्राई करो, आपको नहीं आता है तो मुझे मैसेज करो और मैं आपको इसका और छोटा तरीका भी बता दूंगा। अभी तो इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ चुके हैं बच्चों, देखो अब करना क्या है, करना ये है, करना ये है, करना ये है, तुम इसको जरा फोकस करके देखो, इसको केवल 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 इसको, ये लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, अरे यार इतना तो तुम्हें पता है ना कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अरे तो लगा दो फिर क्या रखा है इसने, उसी स्टेप के बाद क्वेश्चन हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, हाँ भाई ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, अरे भाई ए का मतलब साइन है बी का मतलब कॉस है, यही तो हुआ ना ए क्यू माइनस बी क्यू, अरे क्या बोला मैंने, ए का मतलब साइन है और बी का मतलब कॉस है ठीक। और देखें कुछ ऐसे, तो हमें मालूम पड़ रहा है बच्चों कि सर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा थे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया ठीक है, फिर क्या आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस, अरे भाई माइनस नहीं होगा बच्चों प्लस होगा यार, ध्यान दो गलती मुझसे हो रही है तुम तो मत करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी है ना, प्लस, तो प्लस
प्लस ए बी अपॉन, अरे देख रहे हो ना बच्चों, अगर ये प्लस माने थे गलती मुझे नहीं मिलती ना, मैं खुद ढूंढता रहता कि क्वेश्चन होगा कैसे। चलो बच्चों हो चुका है क्वेश्चन लगभग लगभग। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? वन। दिस इज वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये कॉस थीटा साइन थीटा किसके नीचे है? वन के नीचे भी है और इसके नीचे भी है। अरे तो लिख दो दोनों के नीचे, वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कैंसिलेशन कैंसिलेशन। फाइनली हम लिखते हैं ये क्या बचा, देखो ये बचा वन, ये बचा वन। अब लिखते हैं, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अब आप आंसर लिखने जा रहे हो, वन अपॉन कॉस sec, वन अपॉन साइन कोसेक प्लस वन। अरे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना, तो आ गया ना आंसर। अरे भाई वन पहले या बाद में, यार बात तो एक ही है। एंड दिस इज योर आरएचएस, थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है पर अरे भाई सारे यही फॉर्मूला रहे हैं, एक दो बार करोगे तो ये आ जाएगा, और नहीं आता है तो कोई और तरीका भी देखेंगे। नोट इट डाउन, लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। वन प्लस sec अपॉन sec को ये प्रूफ करना है। अरे बच्चों ये तो यार बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो इसमें LHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं, RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं। आप LHS देखो, वन प्लस sec a अपॉन sec a लिखा है, ये sec a तो इन दोनों के नीचे है, तो ये वन अपॉन sec a प्लस sec a अपॉन sec a हो गया, कैंसिलेशन वन, वन अपॉन sec a प्लस वन। और बच्चों वन अपॉन sec क्या होता है? cos। अरे sec का रेसिप्रोकल तो cos है, तो तुम देख लो। अरे ऐसे नहीं करते तो हम sec को लिख लेते वन अपॉन cos, तब भी हो जाता है ना। अब जरा RHS देख लेते हैं। RHS बच्चों बहुत ही आसान, देखो अब तुम ऐसे देखो, तुम्हारे आंसर में केवल वन और cos है ना, तुम्हारे आंसर में ये साइन कहीं नहीं है, तो किसको हटाओ? सोचो ना, तुम्हारे आंसर में केवल cos है, तुम्हारे आंसर में साइन कहीं नहीं है, तो किसको हटाओ? साइन को हटाओ। और क्या होता है साइन स्क्वायर? वन माइनस cos स्क्वायर। क्या होता है साइन? अरे लिख देना इस बात को, अच्छा मतलब ठीक है, चलो मैं भी लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर होता है वन माइनस cos स्क्वायर। और बच्चों आप ऐसे देखो, इस वाले वन को मैं वन का स्क्वायर लिख दूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वन प्लस cos a, वन माइनस cos a अपॉन वन माइनस cos a, कैंसिल आउट। अरे बच्चों ये 50 और तरीके से भी हो सकता है, जो तरीका तुम्हें बेहतर लगे। अरे किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन से भिड़ जाओ, शुरू करो करना है, इनको होना पड़ेगा। नोट इट डाउन, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन को इसमें प्रूफ करना है और इस फॉर्मूले को यूज करना है। अच्छा बच्चों ठीक है यार, बात समझ में आती है। जब आपको इस फॉर्मूले को यूज ही करना है तो फिर क्या करो, बाकी तो तुम हमेशा cosec और cot को sin cos में चेंज कर लेते। अरे बहुत छोटा तरीका, देखो बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। हम क्या करने वाले हैं, हम इस cos और sin को cosec और cot में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करें? अरे भाई या तो sin से डिवाइड करो या cos से। अगर मैं cos से डिवाइड करूँ ऊपर नीचे, तो cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos 10 काम नहीं बनेगा। sin से डिवाइड करूँ काम बन गया, ठीक है काम बन गया। तो देखो बात सुनो, बहुत छोटा तरीका है ना, जब मुझे आंसर में साइन कॉस चाहिए ही नहीं और इसको यूज भी करना है तो फिर ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि भाई डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, इससे डिवाइड करो, साइन ए से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो दिस इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, कॉस ए अपॉन साइन ए, अरे भाई माइनस है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। अरे क्या कर रहे हैं हम, हमें क्वेश्चन को कोसेक और कॉट में ही यूज प्रूफ करना है और इसको यूज भी करना है, तो मैं साइन और कॉस को कोसेक और कॉट में चेंज कर रहा हूं, कैसे, साइन से डिवाइड करके, डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करो, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, इतना तुम्हें आ गया होगा अब तक, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन ए कोसेक ए, ठीक, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस वन माइनस वन अपॉन साइन ए कोसेक ए। देखो बच्चों पहला काम तो हो गया, पहला काम ये हो गया, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करना था ना, तो पहला काम ये हो गया कि मैंने साइन कोस को कॉट और कोसेक में चेंज कर लिया, और शायद अगले स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब तुम देखो तुम्हें चाहिए क्या आंसर, तुम्हें चाहिए कोसेक ए प्लस कॉट ए। अरे जरा ध्यान से तो देखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अरे कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए की बात है, लिखा हुआ है माइनस वन अलग लिखा है, ठीक, अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अरे ठीक है ना बच्चों, अब तुम ध्यान से सुनो बात, और अगर तुमने इस लॉजिक को लगा दिया तो यही क्वेश्चन खत्म। सुनो, पहले मैंने ये बोला कि मुझे ये दिख रहा है कि इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज तो तब कर पाऊंगा ना जब कोसेक और कॉट मिलेंगे, ठीक है, तो मैंने इसको चेंज किया कोसेक और कॉट में, कैसे, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया, चेंज हो गया। अब जो आंसर मुझे चाहिए वो तो इतना ही लिखा हुआ है, देखो इतना, यही तो आंसर है, यानी कि मुझे कुछ भी ऐसा करना है कि ये सब बकवास हट जाए, वन हट जाए और ये हट जाए, ठीक। अरे बहुत सिंपल सा काम करो, ये जो वन है ना वन, इसको यूज करो, कैसे, अरे इसको भी तो यूज करना है तुम्हें, ये बताओ वन क्या हुआ, तो हो गया फॉर्मूला यूज, वन हुआ तुम्हारे पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो लो हम भी लिख देते, लिख दो भाई लिख दो, पुट करो वन को, कौन से वाले वन को, केवल इस वाले वन को, वन को पुट कर दो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब मुझे लगता है इसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और वन की जगह लिख दिया है हमने कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और अपॉन में जो लिखा था वो ऐसा का ऐसा लिखा है, हाँ भाई ठीक है, तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है लिखो भाई, लिखो इसको, बहुत सरल क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ऐसे करके देखो रट जाएगा आपको, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट ए प्लस कॉसिक ए कॉट ए माइनस कॉसिक ए, है ना बच्चों, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल यही एक तरीका है, मैं आप तक कई बार कह चुका हूं, कई कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के। अब फिर देखो हमें आंसर चाहिए कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है, इसको ले लो कॉमन, कॉट ए प्लस कॉसिक ए को ले लो कॉमन, देखो यहां बचा वन, यहां बचा माइनस, बचा ब्रैकेट कॉट ए माइनस कॉसेक ए
और cot a प्लस वन माइनस cosec a, ठीक है ना। अच्छा अच्छा जरा देख लें भाई, कुछ गलत तो नहीं किया है, कुछ गलत तो हमने कर दिया है बच्चों, और ये गलती हमने यहीं से कर दी है, वन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है, ना कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये सब हो गया गलत। तो कोई बात नहीं है, हम जरा एक काम करते हैं, इसको यहां से दोबारा से कर लेते हैं, ये हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम लिखने वाले हैं वन को कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अरे बच्चों पता है कैमरा पे पढ़ाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, अभी सामने बच्चे बैठे हो जाए, बच्चे चीखने लगते हैं, सर आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, आप गलती भी खुद ढूंढो, ठीक भी खुद करो, अरे भाई बड़ा मुसीबत है। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन, क्या लिखा वन को, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे लिखा है कॉट ए प्लस वन माइनस का कोसेक ए, दिस इज कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, लिख देते हैं किसी और पेन से लिख देते हैं, चलो ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन अपॉन अपॉन, क्या लिखा हुआ ये, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखो आप, ये कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, अरे जो चाहिए वो कॉमन आ रहा है, देखो ना कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है और कोसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, इसको ले लो कॉमन एंड गेट योर आंसर, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, वन बचा माइनस बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और आ गया आंसर, आ गया आंसर। बच्चों समझते हो ना, एक प्लस माइनस की गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, तो अटेंटिव रहिएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए वन माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब आधे बच्चों को ये बात चमकेगी, आधों को ये बात नहीं चमकेगी। अच्छा एक क्वेश्चन में मैं कितनी गलती करूंगा भाई, कॉट ए प्लस वन छूट रहा है, कॉट ए प्लस वन छूट रहा है, कॉट ए प्लस वन छूट रहा है, कॉट ए प्लस वन छूट रहा है। बच्चों मैंने काफी सारी गलती एक क्वेश्चन में एक संग कर दी है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो ठीक है। अरे आप लोग तो यार थोड़ी गलती करने वाले हो, ठीक है ना। अब सुनो बात ध्यान से, देखो ये दोनों एक से हैं, देखो कैसे, प्लस का वन प्लस का वन, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, और आंसर क्या आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। मैं कभी नहीं भूलूंगा इस सॉल्यूशन को, एक क्वेश्चन में इतनी बार मैंने कुछ ना कुछ लिखने तो छोड़ दिया है, आई होप आप नहीं छोड़ेंगे, नोट इट डाउन, लुक एट द सिक्स्थ पार्ट, आप एलएचएस लो और आप देखो बच्चों क्या देखोगे, यार कुछ ना कुछ दिखाई दूंगा तुम्हें, देखो तुम्हें इसको प्रूफ करना है सेक प्लस टेन में, तो रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए तो बच्चों क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो ना वन माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई,
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वन प्लस साइन से डिवाइड, उसके बाद लुक एट इट, न्यूमिनेटर हो गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी ए प्लस बी। अरे भाई a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर, अरे वन का स्क्वायर तो वन है, और वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और देखो बच्चों दोनों तरफ से रूट हट गया, इस स्क्वायर से ये रूट हट गया, एक्यूट एंगल ही तो है, वन प्लस साइन ए बचा, स्क्वायर से रूट हट गया, ये कॉस ए बचा, ये कॉस ए दोनों के नीचे है, अरे भाई पहले के नीचे भी है और दूसरे के नीचे भी है, वन अपॉन कॉस ए sec a, sin a अपॉन cos a tan a, आ गया तुम्हारा आर एच एस, नोट डाउन। लुक एट सेवेंथ क्वेश्चन, ये प्रूफ करना है जब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, थोड़ा आसान सा लग रहा है क्वेश्चन, देख लेते। sin theta माइनस टू sin क्यूब थीटा अपॉन टू cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, तो तुम्हें जब प्रूफ करना है टेन थीटा, और जो कि क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो न्यूमिनेटर में साइन थीटा कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन, अरे बच्चों लिख लेना, अच्छा टेकिंग कॉमन साइन थीटा एंड न्यूमिनेटर, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है हमेशा डिवाइड करना, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा वन माइनस टू, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर वन माइनस टू, है ना, देखो बात सुनो, साइन थीटा कॉमन लिया मतलब साइन थीटा से डिवाइड किया, यहाँ वन बचा माइनस टू, एक साइन थीटा हट गया, यहाँ मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, अरे कॉमन का मतलब डिवाइड करना, टू कॉस क्यूब का बचा कॉस स्क्वायर, यहाँ बचा वन। तो बच्चों एक बात तो देखो तुम्हें समझ आनी चाहिए, बोलोगे सर इसको प्रूफ करना था साइन अपॉन कॉस टेन, है ना, बात सुनो क्या प्रूफ करना था, साइन अपॉन कॉस 10 प्रूफ करना था, ठीक। तो हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस 10, यानी कि ये जो कुछ भी है सब कैंसिल होगा, ये जो कुछ भी बचा, जो कुछ भी बचा क्या होगा कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो इसके लिए या तो साइन को कॉस बना लो या कॉस को साइन बना लो। अरे सुनो फिर से, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, आंसर तो आ गया, ये कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होना चाहिए, तो भैया कॉस से तो कॉस कटेगा, ये कॉस है एक साइन है, तो या तो ये लगा लो या ये लगा लो, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले ये पढ़ा पहले ये लगा लो, पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और तुम देख लेना न्यूमिनेटर बन जाएगा बिल्कुल डिनोमिनेटर की तरह, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस टू, इसको लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब क्या करते हैं, अब करते ये हैं कि इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस टू, अरे भाई माइनस टू प्लस, अरे माइनस टू इंटू वन माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। फिर देखो अब तुम देखो ये क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अरे भाई एक में से दो गया माइनस का एक ही तो बचा, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब अगर किसी को इसी स्टेप में ही एक पद दिख जाए तो इसी स्टेप में काट दो, और किसी को एक स्टेप की इंक ज्यादा खर्च करनी हो तो वो इसको एक सा बना ले पहले, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर माइनस वन कैंसिलेशन,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, नोट इट डाउन। लुक एट द एट्थ क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन। आप एलएचएस लीजिए और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए दोनों में, और बच्चों शायद उसी स्टेप में या अगले स्टेप में आंसर होगा। क्या प्रूफ करना है? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो ये तो पक्का है ना, इस होल स्क्वायर को ओपन करना ही करना है, करते हैं ना ओपन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर ये देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से सुनना बात को बहुत, देखो देखो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए लिख लो एक संग। अरे क्यों, तुम्हें सेवन चाहिए ना, तो वन 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 ढूंढने पड़ेंगे। तो देखो इसे लिख लिया मैंने एक संग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या क्या बचा, अब इसको देखो जरा, इसको देखना, ये लिखा हुआ है। देखो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। देखो ये टू बचेगा कैसे, ये लिखा हुआ है टू साइन ए इंटू कोसेक ए, और कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन। बच्चों कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन, है ना। अब तुम अच्छा, अब क्या क्या बचा, अभी ये और बचा, ये और बचा, ठीक है। चलो इसको भी अलग पेन से लिख देते हैं, टू कॉस ए इंटू सेक होता है वन अपॉन कॉस। और अब क्या क्या बच गया, जो जो बच गया उसे अलग से लिख दो, ये दोनों बच गए। एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, हाँ देखो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अलग लिखा, टू साइन कोसेक वन अपॉन साइन कर दिया, टू कॉस सेक वन अपॉन कॉस कर दिया। इनका मैं अभी कुछ नहीं कर पाया तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखो साइन ए अब से साइन ए कटा, कॉस ए से कॉस ए कटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, ठीक है। ये बचा टू, ये बचा टू, और ये बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी कि पांच प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अरे पांच नहीं सात चाहिए, ठीक है, कोसेक नहीं चाहिए, कॉट चाहिए, सेक नहीं चाहिए, टेन चाहिए। हाँ तो ये हैं तो सही दोनों फॉर्मूलाज, अरे दोनों फॉर्मूलाज तो आपके पास हैं, पुट कर दो कोसेक स्क्वायर ए की जगह वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, पुट कर दो सेक स्क्वायर ए की जगह, है ना, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर दो, वन प्लस टेन स्क्वायर करो पुट, फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर है वन प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर। तो पांच और एक छः और एक सात, ये आ चुका है वही आंसर जो बच्चों आपको चाहिए था, आई होप सो। आर एच एस पुट डाउन। लुक एट द नाइन्थ क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए को प्रूफ करना है, टेन ए प्लस कॉट ए। अरे एनसीईआरटी भी कुछ भी करती है बच्चों, देखो ना छह के छह रेशियो इस क्वेश्चन के अंदर है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब के सब लिख दिए, कोई बात नहीं है। तो हम तो सबको किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो एक काम करते हैं, इसको पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं, है ना, एलएचएस, उससे थोड़ा सा ये आसान रहेगा। एलएचएस अलग सॉल्व कर लेते हैं और आरएचएस को अलग सॉल्व कर लेते हैं। छह के छह रेशो बताइए, एक क्वेश्चन मुझे दिए, ठीक है। अच्छा कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन। एक आज स्टेप आप लिखते रहना कि पुट करो इसको ये इसको वो। कोसेक ए क्या होता है, वन अपॉन साइन ए।
माइनस साइन है ना। सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस। सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस। बच्चों यहां ना मुझे लगता है पूरी वीडियो में टी चल रहा है, ये एस लिखा हुआ है ना, वन अपॉन कॉस माइनस कॉस। ठीक है, तो साइन ए एलसीएम, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और देखो ना कॉस ए एलसीएम अपॉन वन मान लो ना इसको, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। और गलतियां कुछ हो गई आज पता नहीं क्यों। ठीक है बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, इन टू है, इन टू वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है ना। स्क्वायर से कॉस कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, ऊपर बचा कॉस ए और साइन ए। इस वाले साइन से एक साइन गया, इस वाले कॉस से एक कॉस गया। प्यारे बच्चों क्या आ गया लक्ष्य आपके पास, कॉस ए इंटू साइन ए। अच्छा इसको आ जाओ, तो मैं इसको भी लिख लेता हूं साइन और कॉस में। ठीक ठीक, टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए, वन अपॉन एलसीएम लो बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतना आप समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और इतना तो भाई आते आते याद हो गया होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, एंड दिस इज कॉस ए इंटू साइन ए, और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम आ गए हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, है ना, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देते हुए। ये इक्वल टू ये, इक्वल टू ये प्रूफ करना, तो एक काम करते हैं मैं इसको एरो लगा लगा कर ऐसे कर देता हूँ, वरना मुझे इस बोर्ड से इसको हटाना पड़ेगा, आप समझ लेना। देखो इसको देखो, इस वाली साइड को देखो, मुझे आंसर में टेन स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या नहीं चाहिए आंसर में, ये कॉट स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसी को हटाते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, अरे भाई यही तो नहीं चाहिए ना, इसको हटाओ, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट क्या होता है, वन अपॉन टेन, अरे भाई कॉट क्या होता है, वन अपॉन टेन, तो कॉट स्क्वायर क्या हो गया, वन अपॉन टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर क्या हो गया, वन अपॉन टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर हो गया वन अपॉन टेन स्क्वायर। और आपने लिया बच्चों एलसीएम, अपॉन में वन की तरह रखा, ठीक है, तो ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए प्लस वन, ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब आप समझ ना बात को। ठीक, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस वन, कैंसिलेशन कैंसिलेशन। देखो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट तो आ गया टेन स्क्वायर, डन। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ठीक 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 ठीक, हाँ इसको प्रूफ करना है टेन स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे टेन और कॉट नहीं, टेन स्क्वायर चाहिए, ठीक कोई बात नहीं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे वही करते हैं जो हर क्वेश्चन में किया था, टेन को लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, कॉट को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना, एलसीएम कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन अपॉन एलसीएम क्या है, साइन ए, अरे भाई नीचे लिखो यार निकल एलसीएम, हाँ तो भाई साइन है, और एक अपॉन वन मानो, क्या आ गया,
साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना बच्चों? अब तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, काम बन गया हमारा। देखो बात सुनो, ये है कॉस ए माइनस साइन ए, ये है साइन ए माइनस कॉस ए। तुम्हें एक इसमें देखो, केवल इसमें देखो, केवल इसमें एक माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, चलो बाकी सब कुछ पहले जैसा, इंटू साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। और अब देखो बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए से साइनस माइनस कॉस ए कैंसिल, बिल्कुल लास्ट स्टेप आ गए हैं हम। देखो माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और वो होता है टेन स्क्वायर ए। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। और अब करना क्या, देखो जैसे मैंने इसको ऐसा कर दिया है, आप इसको ऐसे मत करना, ठीक है ना? मतलब आप पहले इस साइड को लिखना, फिर आप इसके इस वाले पार्ट को लिखना। आप एक एक पार्ट को अलग 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 लिखना, इसको इसके इक्वल दिखाना, इसको इसके इक्वल दिखाना। आई होप स्टूडेंट्स आपने लेक्चर तो कुछ सीखा होगा, आज कुछ प्लस माइनस की गलतियां भी हुई हैं, उससे आपको ये सीखने को मिलता है कि कंसंट्रेशन कितना जरूरी है। ठीक, एक क्वेश्चन था फिफ्थ वाला जिसमें हम तो कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और तो पकड़ में आ गई, वरना हम मालूम पड़ा कि ढूंढते रहते। बच्चों प्लस माइनस की गलती ना, प्लस माइनस की गलती टेंथ के बच्चों के लिए जानलेवा है, चार नंबर एक बार में खत्म। ठीक, तो आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री को एंजॉय किया है। पिछले सारे लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको आप देखिए। और बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे एमसीक्यू की सीरीज। ऑल द बेस्ट।